हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने देखा था 11.1 का सभी सवाल का एक ही वीडियो में हल करके आप लोग को बताया है, वो भी आसान और आसान तरीका में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे 1 से लेके 7 तक का प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 11.2 का जो है संपूर्ण सवालों को हल इसी वीडियो में मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान तरीका से। तो अभी ही वीडियो को आप लोग स्टार्ट किए हैं तो वीडियो को पूर्ण रूप में देखना है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हाँ, यदि आप लोग बच्चे जो हैं 11.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर जाके आप लोग एक बार चेक करके देख लेंगे। ठीक है, तो 1 से लेके हम लोग 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर दे रखा पहला नंबर सवाल, पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे पढ़ ले, आप लोग को सवाल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब आप लोग को हल करना है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई मापिए। बिल्कुल आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन हम लोग को कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है चाप जिसको हम लोग प्रकाल भी बोलते हैं, 6 सेंटीमीटर का ले लेना है। कहाँ से? 0 से लेके 6 तक का। चलिए हम ले लेते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से लेके लगभग इक्वल हो गया 6 तक, देख रहे हैं आप लोग। अब इसका जो है प्रकाल को हम लोग घुमा लेते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, या तो हम पहले वृत्त खींच लेते हैं, ये वृत्त खींच लिए कुछ इस प्रकार से, कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा ये, आप लोग ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, ये 6, ये हो गया, ये वृत्त हो गया। अब ये वजह जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, इसको हम दूसरे पेन से मिलाएंगे ताकि आप लोग को दिखाई पड़े। ठीक, चलिए ये यहाँ तक मिला दिए, बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। सर, अब हम लोग को दूसरा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है इसको समझना। केंद्र से हम लोग 10 सेंटीमीटर दूर देखेंगे, तो केंद्र हो गया वृत्त का ही ना, चलिए केंद्र के वृत्त से 10 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट देते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग 10 जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 10, यहाँ पे हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस रेखा को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ तक मिला दिए। अब ये दोनों कंडीशन को हम लोग पूरा किए, अब इस पर कह रहा है स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे और यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, तो वैसे नहीं खींचा जाएगा भाई, इसमें कैसे खींचा जाएगा वो देखिए। सबसे पहली बात, स्पर्श रेखा के यहाँ तो लंबाई नहीं दिया गया है और वगैरह भी नहीं दिया, स्पर्श रेखा यहाँ भी टच करेंगे तो स्पर्श रेखा हुआ, यहाँ भी टच करेंगे तो स्पर्श रेखा हुआ, और यहाँ भी टच करेंगे तो स्पर्श रेखा हुआ। इसके लिए हम लोग को एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो कैसे होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले जो ये रेखा खींचे हैं ना, इस रेखा को आप लोग क्या कीजिए, दो बराबर भाग में बांट लीजिए। सर कैसे बांटेंगे? इस चाप को इस वाले ये वाले सेंटर पे रखिए, आधा से अधिक, ये आधा से अधिक हो गया जी, तो इसको यहाँ से आप लोग एक बार काट लीजिए इधर के साइड, एक बार इधर के साइड, चलिए यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं, और दूसरा साइड एक बार इधर से कर लीजिए, यहाँ पर हम काट लेते हैं। ठीक है, फिर उसी चाप को आधा से अधिक पे ही है, ठीक है, इसको फिर आप एक बार यहाँ काट लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ काट लीजिए, नहीं हुआ ये कटा नहीं है, ठीक है, इसको हम फिर से इसको ज़्यादा काट लेते हैं, ठीक है, यहाँ काट लिए और ये यहाँ काट लिए, तो देखिए ये कट बिंदु बन गया। अब कट बिंदु को आपस में मिला दीजिए, पहली बात ये पूरा कर लेंगे हम लोग, और कट बिंदु को आपस में मिला देते हैं। ये जो है क्या कर किया, बराबर बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, इसको आप डॉट लाइन से मिलाएंगे बेटर होगा, मैं डायरेक्ट आपको दिखाने के लिए किया और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। अब ये यहाँ से यहाँ जो था 6 सेंट, अब ये दो भाग में बांट दिया, देखिए इस साइड को भी नापिएगा तो 5 और इस साइड को भी नापिएगा तो 5 आ रहा है, देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब आप लोग को क्या करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहली बात, ये यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, ठीक है,
यहाँ से यहाँ एक पॉइंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला जो आधा वाला हिस्सा आया, यहाँ पे आप लोग को रखना है ये सुई का नोक, और इसे एक सर्किल बना दीजिए, ठीक है। सर्किल कुछ इस तरह से बनेगा, देख लीजिए, कुछ इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ जो हम लोग किए हैं, ड्रॉ जो सर्किल किए हैं, ये देख लीजिए। अब इसका जो आप लोग को कट बिंदु मिल रहा है, मतलब सर्किल पे जो कट कर रहा है वो कौन सा रेखा है, तो कहेंगे सर यहाँ पे सर्किल पे कट कर रहा है, बस आप लोग क्या करेंगे इसको यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, बिल्कुल आसान हो गया, देखिए। और यहाँ से एक और स्पर्श रेखा, कहाँ आप काट रहा है सर, यहाँ आप काट रहा है, देख रहे हैं ना, यहीं पर काट रहा है ना सर्किल, तो यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा हो गया। इस तरह से हम लोग स्पर्श रेखा को ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया पहला नंबर का संपूर्ण। हमने क्या किया, पहले एक सर्किल खींचा जिसके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर था, उस पर उसके बाद वहाँ से हम लोग 10 सेंटीमीटर केंद्र से जो है इसका नाम दे दीजिए ओ बी सी डी, ठीक है। इस तरह से आप लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, और यहाँ पे दे दीजिए पी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। ये हमने क्या किया, पहले एक सर्किल खींचा बड़ा सा 4-6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उसके बाद हमने इसको 10 सेंटीमीटर तक ले गया, मतलब केंद्र से 10 सेंटीमीटर पे एक बिंदु रखा और उसको दो भाग में बांट लिया। उसके बाद जो हमने जो आधा भाग में बांटे थे, दो भाग में बांटे थे, एक भाग से हमने क्या किया सर्किल को ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद जो है यहाँ पे जो कट आया त्रिभुज, सॉरी ये वृत्त पे कट आया, उसको हमने क्या किया स्पर्श रेखा से मिला दिया, यहाँ से सी से लेके बी तक मिलाया और डी से लेके बी तक मिलाया, ये हो गया स्पर्श रेखा। अब चाहे तो इसका नाप ले लीजिए, चलिए नाप लेते हैं, कह रहा है कि नापने के लिए भी हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि नापने में आसानी हो। ये देखिए 8 कुछ समथिंग, 8 ही आएगा, 8। अब यहाँ से यहाँ नापिए, देखिए तो यहाँ से यहाँ भी नापिएगा तो 8, मतलब बराबर है, हिसाब मेरा बिल्कुल ही सही है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है। तो आप इसका जो रचना करना चाहते हैं तो रचना भी कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं पहले 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाए, उसके बाद 10 सेंटीमीटर तक ले गए बी बिंदु, उसके बाद हमने दोनों को दो भाग में बांट दिया, उसके बाद एक सर्किल का ड्रॉ किया, जो सर्किल ने दूसरे सर्किल को काटा वहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींच दिया दोनों जगह से, बिल्कुल आसान था। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल देखा जाए, दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए, 4 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या का वृत्त खींचना है, ठीक है। सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, देख लीजिए, पढ़ते जाएंगे उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इसको हम लोग चाप को 4 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे स्केल पे, ठीक है, ये अप्रोच ठीक से। यहाँ से हम लोग एक जो है सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब वृत्त बना लेते हैं कुछ इस तरह से, तो आप लोग को दिख रहा है ये कितने 4 सेंटीमीटर, और जो केंद्र है हमको उससे को ये जो वृत्त का त्रिज्या हो गया केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये कितने होगा देख लीजिए, ये कितने होगा 4 ही होगा, ठीक है। चलिए पहला चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया, अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है त्रिज्या के एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चलिए बिल्कुल हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है संकेंद्रीय वृत्त के मतलब क्या, दोनों का जो है सेंटर जो है एक ही होगा, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब इसमें हम लोग 6 सेंटीमीटर का लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरे के, तो इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ तक कुछ, ये देख लीजिए आप लोग को ऐसे दिखाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए ये कुछ आ गया, अब हम इसको इस फिर सेंटर पे रखेंगे, एक ही सेंटर, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या एक ही सेंटर। चलिए इस वाले वृत्त को हम लोग मिला एक सर्किल और ड्रॉ कर लेते हैं जिसका केंद्र एक ही होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। चलिए ये कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको भी मिला लेते हैं, एक हो गया 4 सेंटीमीटर वाला और एक हो गया 6 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर आप लोग को दिख रहा होगा। तो एक जो था उसको हम ब्लू से मिलाए, इसको ब्लैक से मिलाते हैं। तो पहली बात इसको हम लोग नाम देते हैं ओ, ये 4 सेंटीमीटर वाला और ये 6 सेंटीमीटर वाला, चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जिसकी लंबाई मापिए परिकलन से
इस माप की जांच भी कीजिए। बिल्कुल आसान तरीका है इसको समझने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि बड़े वृत्त जो है, बड़ा वाला सर्किल जो हम ड्रॉ किए हैं 6 सेंटीमीटर वाला, उससे हम लोग को एक स्पर्श रेखा खींचना है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करते हुए समझ लीजिए। ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बाँट लेते हैं, कितना बराबर बराबर भाग में। ऐसे हम लोग को बांटने का मन हो तो 3 बार में काट सकते हैं, मतलब 6 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। लेकिन नहीं, हमको स्केल का यूज़ नहीं करना, कैसे यूज़ करना वो देख लीजिए। यदि हम लोग को ये इस रेखा को आधा आधी बांटना है, इस चाप को हम लोग आधा से अधिक लेंगे, आधा से अधिक हो गया। चलिए इसको हम लोग ऊपर घुमा लेते हैं, यहाँ पर अधिक घुमा लिया जाए कुछ इस तरह से, और इस साइड में भी आप लोग को घुमा लेना है। ठीक, इसको दाबना नहीं है, फिर इतना ही चाप को रख के, ठीक है, इतना ही रख के इसको ऐसे घुमा लीजिए और ये यहाँ पर घुमा लीजिए। अब देखिए इसको स्केल से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। चलिए स्केल से हम लोग ड्रॉ करके नाप के भी बताएंगे कितने डिग्री का, मतलब कितना ये हुआ है। तो नापने के लिए जाएंगे तो ये भी होगा 3 का, ठीक है, ये भी होगा 3 का। चलिए ये देख लीजिए 3 का, और भाई साहब ये भी देखो 3 का ही है। ठीक है, बिल्कुल 3 का ही मिल रहा है। ठीक है, ये आधा बराबर बराबर भाग में बांट लिए। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा खींचने का ये तरीका है। अब इसका नाम दे दो कुछ, जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं बी ही दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पे नोक रखना है, जो काटे हैं मतलब 2 भाग में बांटे वहाँ रखना है, और एक नोक यहाँ रखना, ओ पे। इस बात को समझ रहे हैं, ओ पे रखना। ओ पे रखने के बाद इसको तो ड्रॉ नहीं करना है, बस इस तरह से यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कट गया, और ये कुछ यहाँ पर कट रहा है। ड्रॉ भी कर सकते हैं, चलिए मान के चलिए यहाँ पे एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ भी कर सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं। अब जो वो सर्किल पे जो कटा भाग है उसको मिला दीजिए, यहाँ से कहाँ से मिलाएंगे, इसका नाम दे देते हैं पी, और इसको यहाँ से जो जहाँ पे कटा है, ठीक है, जहाँ पे कटा है भाग उस पर हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर कटा है सर्किल का, यहाँ पर मिला दिए। अब यहाँ पर जो कटा है, देखिए यहाँ पर कटा है, ठीक है ना, ये वाला लाइन जो है शायद यहाँ पे कटा है, ठीक है, यहाँ पे कटा है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया, ये मिला दिए। अब हम इसका नाम देते हैं एक्स और वाई। तो अब कह रहा हम इसको माप भी लेते हैं, चलिए माप के देखते हैं। मापे तो ये प्रॉक्स 4 आ रहा है, और ये भी जो बिंदु है कट पॉइंट, ये भी 4 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये 4 ही आ रहा है। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को कह रहा था एक सर्किल खींचिए जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो, और एक परिकलन वृत्त खींचिए जो कि 6 सेंटीमीटर वाला, उससे कह रहा है छोटे बड़े वृत्त से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए। तो इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये वाले दोनों को आधा भाग में बांट लेंगे। आधा भाग बांटने के बाद इस यहाँ पे आप लोग को चाप रखना है और इसको काट देना है, छोटे वाले सर्किल को काटेंगे और इधर भी काट देंगे, और कटा हुआ भाग जो होगा वो कटा हुआ जो भाग सर्किल को काटेगा उस पर एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, जो हो जाएगा स्पर्श रेखा हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को समझ गए हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग इसका रचना भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे किए उसी तरह से आप लोग रचना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। नंबर भी बहुत इजी है, इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। ठीक है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक जो है हम लोग त्रिज्या खींच लेते हैं, वृत्त का त्रिज्या खींच लेते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर, ये कितना है बाबू, हो गए 3 है सर, इस तरह से आप लोग को खींच लेना। चलिए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लोग सर्किल तो जानते हैं ड्रॉ करने के लिए, मतलब वृत्त ड्रॉ कर लिया। अब सेंटर से हम लोग को इसको सेंटर से यहाँ तक हम लोग खींच लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है, देखिए 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है केंद्र से 7 सेंटीमीटर। चलिए केंद्र है यहाँ पे और 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, केंद्र से 7 सेंटीमीटर पर हम लोग खींच लेते हैं रेखा सीधी सी बात यहाँ तक। फिर हम लोग को एक और रेखा खींचना है, इसके लिए हम लोग ये वाला पॉइंट को यहाँ पे 7 पे रखेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग देते हैं जो पॉइंट है ओ हो गया, और यहाँ पे हम लोग देते हैं पी, और यहाँ पे देते हैं क्यू। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब अगला भाग कह रहा है यहाँ पे, क्या अगला भाग यहाँ पे ये कह रहा है, 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, 7 सेंटीमीटर स्थित 2 बिंदु हम लोग बना दिए, ये भी 7 सेंटीमीटर सर, ये भी 7 सेंटीमीटर, पी क्यू ले लीजिए, बिंदु का नाम पी क्यू ले लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। भाई ये कुछ टेढ़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल, इसको समझ लीजिए।
सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो ए रेखा है हम लोग को क्या करना होगा, दो भाग में बांटना, मतलब क्यू और ओ जो है इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं। पहला बात सर बराबर भाग में कैसे बांटे, तो बिना आप लोग को स्केल, बिना स्केल के भाग बांटना है, ठीक है। आधा से अधिक लीजिए सर, चलिए ले लिए सर आधा से अधिक लिए, और क्यू बिंदु एक बार रख लीजिए, इधर भी काट दीजिए कुछ इस तरह से काट दीजिए, फिर आप लोग को इधर भी काट लेना है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा आप लोग को दिखे, यहाँ भी काट लिया, ठीक है। फिर आप लोग को ओ पे रखना है, ठीक है, ओ वाले बिंदु पे, फिर यहाँ काट लेना है, फिर इधर काट लीजिए और कट पॉइंट को मिला दीजिए। सिंपल सा है, कट पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, मतलब इस तरह मिलाना है, डॉट लाइन से मिलाना है, ठीक है। ये आधा भाग में बट गया, चलिए ये आधा भाग में बट गया, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा साइड भी खींचना होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचना दोनों साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये पी पर से लेंगे, ठीक है, और आधा से अधिक, आधा से अधिक ले लिए चाप को, और कुछ इस तरह से काट दीजिए, इधर काट दिए, फिर आप लोग को फिर इधर काट देना है, ठीक है। फिर ओ पे लीजिए, फिर ओ पे लीजिए, फिर इधर काट दीजिए, ठीक है, और फिर एक बार इधर काट दीजिए, कट पॉइंट को मिला देंगे, जो कि आधा बराबर भाग में बांट दिया है, ठीक है। इसको कट पॉइंट को मिला देते हैं, बिल्कुल इस ये बात समझना बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से यहाँ नापा जाए, देखिए ये भी होगा अप्रॉक्स तीन और 3.4 है, और यहाँ पे यहाँ देखिएगा ये भी 3.4 है, देख रहे बिल्कुल मिल रहा है, तो मतलब बराबर कटा है, ठीक है। अब स्पर्श रेखा खींचना कितना आसान है वो समझ लीजिए। स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं मिला देंगे, स्पर्श रेखा खींचने के लिए कोई नियम होता तो ये नियम है। अब हम लोग यहाँ पे जो है दो बिंदु हम लोग को मिल गया, ये पॉइंट को हम लोग मान लिया जाए, आर ए मान लीजिए और इसको एस मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आर वाई पे जो है सुई का नोक रखना है, और ये चाप को जो है क्यू तक फैला लेना है, ठीक है। और इसको हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं, सर्किल बना लीजिए, और यहाँ से ये सर्किल कुछ इस तरह से जाएगा, और इसको घुमा दिए। फिर यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एस पे रखना है सुई का नोक, ठीक है, एस पे सुई का नोक रखना है, और इसको पी तक ले जाना है, ठीक है। इसको भी हम लोग को एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है, यहाँ कुछ इस तरह से इस सर्किल को इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब जो सर्किल ड्रॉ किए हैं, इस सर्किल को जो मेन सर्किल है इसको यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे काट रहा है, फिर यहाँ पे देखा जाए ये वाले को यहाँ पे काट रहा है, फिर यहाँ पे काट रहा है, जो कट पॉइंट हम लोग को मिल गया इसको क्यू से मिला दीजिए, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है, क्यू से मिला दिए सर, और यहाँ पे हम लोग इसको भी क्यू से मिला दिए दोनों साइड। चलिए अब इधर वाले जो है इसको भी हम लोग पी वाले को भी मिला देते हैं, इसका नाम भी रख सकते हैं डिपेंडेंट, कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ भी कट कर रहा है सर, यहाँ भी एक रेखा खींच दीजिए, नाम दे दीजिए, इसका दे दीजिए एक्स एक्स वाई और ये जेड, और यहाँ पे दे दीजिए बी, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप अपने हिसाब से नाम रखो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सभी हो गया, ये दोनों क्या हो गया, आपस में स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इसको नापेगा, नापना भी है तो नाप लो, दोनों बराबर ही होगा, देख लो ये कुछ यहाँ से कटा, तो मतलब 6.5 के आसपास, या देख लिया जाए सही से तो 6.5 के आसपास चल रहा है। ये वाला भी देख लिया जाए, ये भी कुछ 6.5 के आसपास में ही है, और ये सारे जो है स्पर्श रेखा आपस में बराबर है। चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल, पूर्ण पे समझ ही गए होंगे, चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। नंबर सवाल में कह रहा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। चलिए बिल्कुल समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये 5 सेंटीमीटर, इसको रफ में थोड़ा समझ लीजिए, पहले मान लिया जाए ये जो सर्किल है वृत्त है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, ठीक है, और दो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार है, जो कि स्पर्श रेखा जो है ये 60 डिग्री पे झुका है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और इस वाले ये सर्किल का जो है पॉइंट हो गया, इसको यदि इसे मिला देते हैं, ठीक है, ये मिला दिए, और आप लोग को पता है स्पर्श रेखा जो है सर्किल के सर्किल पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए ए बी ओ सी। ये देखिए आप लोग को 1, 2, 3, 4 कोण दिख रहा है, मतलब ये क्या है, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है सर, 360 होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 90 90 180 हो गया, 80 और ये 60 कितना हो गया 150, सॉरी यहाँ पे 90 90 180 हो जाता है, ठीक है, और 60 इसमें जोड़ दिया जाए ये 0 को 0 8 6 14 हो गया, और एक 14 8 6 14 2 ये इतना हो गया 240।
हम लोग को कमी कितना हो रहा है 120 का, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 120 डिग्री का कोण बना देते हैं। 120 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 90 90 हो गया, 180 और 20, 180 और 20 कितना हो जाएगा सर 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ये 300 हो जाएगा और 360 डिग्री का हम लोग को कोण ही होता है। ये बात समझ गए होंगे, यदि समझ रहे नहीं तब फिर भी समझ लीजिए। देखिए चतुर्भुज जो होता है 360 डिग्री का कोण होता है, सबसे पहले बात तो दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो हो जाता है 90 डिग्री का भाई, 90 डिग्री का हो जाता है। तो ये सेंटर पे जो हम लोग को कोण बनाना है कितने डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है, तब जाके हम लोग को चतुर्भुज ये फाइंड आउट होगा। तो बिल्कुल समझ गए होंगे, सबसे पहले को जो काम कह रहा है उसको कर लिया जाए। रफमिली हमने इसको समझ लिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, बहुत बड़ा वृत्त खींच लेते हैं पहले, आसान से समझ लेते हैं। ये वृत्त हो गया, ये चाप जो है 5 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे सुई का नोक को, कुछ यहाँ से यहाँ तो बेटर होगा, बड़ा बड़ा है तो ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल, समझने के लिए बनाने के लिए, ठीक है ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये सेंटर कहाँ पे है वो हम लोग को देखना है, ठीक है सर। इसका सेंटर जो है कुछ यहाँ पे है, देख लिया जाए, ये 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक। तो ये सेंटर हो गया, इसका नाम देते हैं सर ओ, ठीक। अब कह रहा है स्पर्श रेखा खींचना है कितने, 60 डिग्री का। सबसे पहले बात समझ लो, हम लोग को 60 डिग्री का खींचना नहीं, क्यों नहीं खींचेंगे सर ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 120 डिग्री का खींच लेते हैं सेंटर पे। 120 डिग्री का खींचने के लिए आसान तरीका है, इस ये चाप को कितना पे भी रखो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग हल्का बड़ा ही रखते हैं ताकि जो बेटर होगा। यहाँ से आप लोग यहाँ से इस तरह से इसको घुमा लीजिए, जितना पे घुमाए हैं उतने पे चाप को रखिए। पहला बार काटते हैं तो सर 60 का कटता है सर, दूसरा बार काटते हैं हम तो जानते हैं क्या 120 कटता है, ठीक है 60 दूने का 120। और जो कट पॉइंट है उसको आप लोग ले चलिए जहाँ पे कटा है सर्किल, ये 120 डिग्री का कोण ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम इसको दूसरे कलर से मिला लेते हैं, आप लोग स्केल जो पेंसिल है उसी से मिलाएंगे तो बेटर होगा, ठीक है यहाँ तक कुछ इस तरह से, ठीक। पहला काम क्लियर हो गया, और ये कितने डिग्री का हो गया सर 120 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इस पे जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल हम इस पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चाप रखो और इसको भाई घुमा दो, इसको छोटा ले लेते हैं हल्का, तो ये बेटर होगा, ठीक है इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहली बार काटो तो सर 60 कटता है, दूसरी बार काटो तो सर 120 कटता है, ये बात तो आप लोग भी जान रहे। और 120 पे एक बार रख के काटो, ठीक है एक बार रख के चाप को काटो इस तरह से, और यहाँ पे फिर 60 पर से एक बार रख के काटो, तो और ये जो कट पॉइंट बना है ये क्या बना है 90 डिग्री का कोण बना है, पहली बात तो समझ लो। इसको मिला दो, चलो ठीक है मिलाते हैं सर, ठीक है इस पर एक रेखा खींच लो, कुछ यहाँ तक भी खींच लो तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ये कुछ यहाँ तक इस तरह से, चलिए ठीक है इसको थोड़ा सा इधर उधर हो गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम लोग को यहाँ पे करना है कितना 90 डिग्री का कोण, स्पर्श रेखा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, तो हम लोग यहाँ पे भी 90 डिग्री का खींच लेते हैं। बार से एक सर्किल खींचा कुछ इस तरह से, ठीक पहली बार काटे तो सर 60 कट गया, दूसरी बार काटे तो सर 120 कट गया, फिर हम लोग को एक बार 60 पे रख के काटना है, फिर एक बार 120 पे रख के काटना है, देन ये कट गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे तो ये कट पॉइंट हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है यहाँ पे कट गया। फिर इसको हम लोग मिला देते हैं कहाँ से, इस रेखा से, इस रेखा से यदि मिलाएंगे कुछ इस तरह से, रुकिए एक मिनट ये कुछ कटा नहीं सही से, ये देख लीजिए यहाँ तक था पहली बात, तो इसको 60 काटे, 60 कटा, फिर दूसरा बार में 120 कटा, और ये यहाँ तक कटा, ठीक है ये कट पॉइंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला लेते हैं। अब लोग सही से करेंगे स्केल पे इस बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है ये जो कट पॉइंट है इसको सही से मिलाना है, ये हो गया तो ये कितने डिग्री का हो गया साहब, तो ये सर हो गया 90 डिग्री का, और ये कट पॉइंट जो यहाँ पे कटा था ये कट पॉइंट हो गया 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का, और यहाँ पे 90 90 हो गया। तो भाई साहब ये बताओ, जब दो कोण तीन कोण जो है हम लोग को 300 पुड़ा रहा है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है इस बात को आप लोग को समझना होगा। कैसे समझेंगे, तो देखिए तीन कोण को जब हम लोग जोड़ते हैं कितना हो जाता है सर 300 हो जाता है, तो तीसरा कोण चौथा कोण कितना होगा 360 डिग्री का ही होगा, इसलिए वो 60 डिग्री का कोण ऑटोमेटिक बन जाता है। आप लोग नाप के ट्राई कर सकते हैं इस बात पे।
तो चलिए ये हमने 60 की भी इसका ड्रॉ कर लिया। तो पूर्ण पेन इसमें यही कह रहा था, ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा था, जो कि 60 डिग्री पे झुकाओ, इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं पाँचवें नंबर सवाल। पाँचवें नंबर सवाल, यार इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं पाँचवें नंबर सवाल। कह रहा 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड ए बी खींचिए। बिल्कुल हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींच दो भाई। तो चलो 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी, ठीक है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। आगे पढ़िए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। जो ए है इसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वाला एक क्या खींचिए, त्रिज्या वाला वृत्त खींचिए 4 सेंटीमीटर का। चलिए 4 सेंटीमीटर पे हम लोग रखेंगे और कुछ यहाँ तक ये कुछ देख लीजिए, आप लोग जो है इसको बराबर रखेंगे तो बेटर होगा। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ए पे ए ए को बोला है केंद्र मान के, तो ए वाला हो गया पॉइंट। यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींच लीजिए। जी बिल्कुल खींच लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं, तथा बी को केंद्र मानकर, पढ़ते जाइए, कह रहा तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, बी ए हो गया, बी को हम लोग केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर वाला एक और खींच लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया, ठीक। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे अपन को करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से हमने एक वृत्त खींच लिया बी को केंद्र मान के। पहले इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सर, ये 4 सेंटीमीटर वाला हो गया, ठीक, और ये 3 सेंटीमीटर वाला हो गया, क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है वो देख लो। आगे कह रहा है सर कि वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा रचना कीजिए। प्रत्येक वृत्त का जो केंद्र है, मतलब ये वाला केंद्र है इसका, तो इसके दूसरे वृत्त पर हम लोग को एक स्पर्श रेखा खींचना कुछ इस तरह से, और इसका जो है केंद्र ये हो गया, इस पर स्पर्श रेखा इस पर खींचना है। बात समझ रहे हैं, ए केंद्र मानकर इस पे स्पर्श रेखा खींचना है इस वाले वृत्त पे, और बी केंद्र मानकर इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले इस लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, समद्विभाजित कर लेते हैं, मतलब दो भाग में बांट लेते हैं। तो कैसे, इसमें ऐसे बांटा जाता है, चाप को जो है कुछ आधा से अधिक बढ़ाइए, देखिए समथिंग आधा से अधिक बढ़ गया, ठीक है। तो चलिए आधा से अधिक बढ़ाएंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे, ठीक, और यहाँ पर भी, ठीक है, कट गया। अब यहाँ यही चाप को थोड़ा सा भी लूज नहीं करना है, ठीक है, लूज नहीं करना है। फिर यहाँ पे काट लिया, फिर यहाँ पे काट लिया, और कट पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। कट पॉइंट को हम लोग डॉट से मिलाएंगे तो बेटर होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डॉट पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक, ये डॉट पॉइंट से मिला दिया। अब पता चल गया, क्या पता चल गया, ये जो है रेखा आपस में बराबर है। चलिए नाप के दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, ये जो है ये 4 है और भाई साहब ये भी 4 है, देख लिए ना, पक्का मिल रहा ना भाई, यहाँ देख लो, ये देख लो 4 है। अब आप लोग को क्या करना है, ये जो कट पॉइंट मिला हमको बराबर दो भाग में बांट किए हैं इसको, इसको आप लोग मान लो, क्या मानोगे भाई, ओ मान लो, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, ओ पे रखो नोक, ओ पे रखो सुई का नोक, ठीक है, और इसको ले चलो ए तक, ठीक, ए तक ले गए, और इस पर या तो आप एक ड्रॉ कर लो सर्किल, ठीक है, ओ पे रखो और इस पर ड्रॉ कर लो कुछ इस तरह से, सर्किल ड्रॉ हो गया, ठीक है, सर्किल ड्रॉ हो गया, मतलब हिसाब बन गया। कैसे सर, देख लीजिए सर, पहली बात तो ये जैसे जिस पे कटा है ये कहाँ कटा है सर, यहाँ पे कटा है, और ये वाला यहाँ पे कटा है सर्किल का पॉइंट, तो हम लोग को उससे पॉइंट से मिला देते हैं। पहली बात क्लियर हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा, और यहाँ से हम लोग फिर एक रेखा यहाँ पे कट पॉइंट पे मिलाते हैं जो कटा है वृत्त ने, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं पी क्यू, ठीक है। दूसरे वृत्त के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वृत्त को ये बी वाले वृत्त को केंद्र मानकर ये ए वाले वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे कटा है, तो कट पॉइंट को हम लोग थोड़ा डॉट से दे दिए और यहाँ पे इसको मिला दीजिए। बिल्कुल आसान था, यही कह रहा था ना, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से, ये कह रहा था स्पर्श रेखा खींचने के लिए। तो बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे यार, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चलिए देखते हैं छठे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। छठे नंबर सवाल में दे रखा है, यहाँ पे देखिए, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी बी ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है। जो बड़ा वाला है उसको हम लोग आधार मान लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, और कोण बी कह रहा है 90 डिग्री, इसलिए तो आधार हम लोग कुछ इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे, एक मतलब कितना 8 सेंटीमीटर का आधार है। चलिए यहाँ पे हम लोग 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं, ठीक, इसको हम लोग नाम देते हैं बी और सी, ठीक है, क्यों दिए नाम वो देख लीजिए,
इस बात को भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ देखा जाए, सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है और कोण बी जो है क्या है 90 डिग्री है। कोण बी जो है ये वाला कोण 90 डिग्री है और कोण ए बी जो है मतलब यहाँ पे कहीं पे ए बन रहा है जो क्या है ये 90 डिग्री है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेखा क्या होगी 90 डिग्री हुआ। सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री काट लेते हैं। ठीक है, कैसे काटते हैं 90 डिग्री वो ध्यान दिया जाए, जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो 90 डिग्री काटने के लिए हम चाप को कुछ इस तरह से ले सकते हैं और यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से कुछ सर्किल बना देंगे और सर्किल को जो है बनाने के बाद इस चाप को हिलाना उलाना नहीं, बस यहाँ से रखिए इस पॉइंट से और यहाँ पे एक बार काट दिया। पहला बार कटा 60 कट गया सर, दूसरा बार कटा 120 कट गया, और एक बार 60 पे रखो चाप को और 20 से काट दो यहाँ से, और एक बार 120 पे रखो फिर यहाँ से यहाँ काट दो, और चलिए थोड़ा एक बार यहाँ से ये कटा नहीं सही से, चलिए यहाँ से ये कट गया, और ये कट पॉइंट को मिला दो। कट पॉइंट को इस तरह मिलाओ कि ये 6 सेंटीमीटर का हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक ही बार हम लोग ले लेते हैं ताकि दोबारा हम लोग को लेने की ज़रूरत ना, इसको नापने की ज़रूरत नहीं हो, बिल्कुल समझेंगे। ये कुछ 6 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कोई कलर पेन से ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा ध्यान में आ जाए। चलिए इसको हम ले लिए, ये 90 डिग्री का हो गया, बिल्कुल सर। चलिए ये कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बी पे हमने दूसरा शर्त को भी पूरा कर लिया। चलिए अब तीसरे शर्त की ओर चलते हैं। तीसरे शर्त ये हो गया आप लोग का ए, जो कि इसकी जो है लंबाई क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको हम लोग क्या करते हैं कोण सी से मिलाते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कोण सी से मिला दो। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ पे कोण सी है मिला दिया रेखा से। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है यहाँ पे कह रहा है कि देखिए नंबर डिग्री है, बी से ए सी पर बी डी लंब है, बी से ए सी पर बी डी लंब है, बी डी जो है लंब है, तो कैसे लंब खींचेंगे वो देख लीजिए। बहुत आसान है खींचना, चाप को कुछ इस तरह से फैला लो। ठीक है, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ बड़ा फैला। ठीक, तो ये जो है ऐसा फैलाना है, मान लिया जाए ये कुछ यहाँ भी काटे। ठीक है, यहाँ भी काटे, दो पॉइंट पे कट करे। ठीक है, दो पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये जो कट किया इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल, ये यहाँ तक यहाँ जो ये कट पॉइंट है इस पर रख के इस तरह से, फिर ये वाला जो कट पॉइंट है इस पर रख के, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे इस गया है। ठीक है, ये जो कट पॉइंट आया है देखिए आपको दिखाते हैं, कट पॉइंट इसका ये वाला है। ठीक है, ये लंब हो गया, इसको आपस में मिला दो कहाँ से सर, यहाँ से, बिल्कुल समझेंगे। यहाँ से यदि हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये लंब हो गया डी, मतलब बी डी लंब है। ठीक है, ये कट पॉइंट हो गया, तो अब यहाँ पर आप लोग नाम भी दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कट हुआ तो ये डी हो गया। ठीक, समझ गए। अब देखिए अगले बार हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है अगले बार। आगे यहाँ पे ये कह रहा है, ध्यान देने वाली बात है, लंब तो बिंदु बी सी डी पे, मतलब बी सी और डी पर से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है। देखिए होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया, माने कि ये जो है बी सी पे एक वृत्त है। ठीक है, बी सी पे क्या है, एक वृत्त है। तो भाई बी सी पे वृत्त है तो कहाँ पे पॉइंट, इसका मतलब जो है सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, ये भी जानना जरूरी है। सर कैसे जानते हैं देख लीजिए, सबसे पहले सेंटर जाने के लिए हमको इसको जो है ये 8 सेंटीमीटर को दो भाग में बांटना होगा। दो भाग में बांटने के लिए हम लोग जानते हैं चार पे आ सकता है, लेकिन चार को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते बाबू, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, आधा से अधिक लेंगे, पहले इसको दो भाग में विभाजित कर लेते हैं कुछ इस तरह। सब में आप लोग को ये करना है भाई, काम कुछ ऐसा करो कि यहाँ से बिना सर्किल के, मतलब जो स्केल है बिना उसके आप लोग को आधा भाग में बांटने के लिए, दो विभाजित करने के लिए सीख जाओ ये चीज़। चलो ये इसको हम लोग मिलाते हैं, इसको डॉट पॉइंट से ही मिलाना बेटर होगा। चलिए मिलाते हैं, ये जो है आधा भाग में बट गया। ठीक है, ये आधा भाग में बट गया, तो ये हो गया हम लोग का, ये समझ में आ गया कि ये वाला जो पॉइंट है मतलब सर्किल का जो है ये पॉइंट है, सर्किल का जो है केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को यहाँ से बी तक लाना है। ठीक है, ये बी तक लाना है और एक सर्किल ड्रॉ कर देना है जो कि हम लोग को कहा जा रहा है। तो ये हो गया जो सभी चीज़ आ गया यहाँ पर, जो जो चीज़ बोला जा रहा था, अभी कंडीशन ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक दो कंडीशन और दे रखा। चलिए ये हो गया, यहाँ तक बिल्कुल आप लोग समझ गए। ठीक है, तो सर जी सर ठीक है, ये हो गया सेंटर। अब देखो यहाँ पे एक नया रचना और करना है, क्या करना है वो देख लिया जाए भाई साहब। यहाँ तक होने के बाद एक वृत्त पर खींचा गया है। ठीक है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, मान लिया जाए ए कोई सर्किल है, यहाँ पर ए बिंदु है, यदि हम इस बिंदु पर एक पॉइंट है
और यहाँ से इस बिंदु को कह रहा है कोई स्पर्श रेखा खींचे, सबसे पहले इसको मिला लेते हैं, उसके बाद इस तरह से स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला जो रेखा है इसको हम द्विभाजित करते हैं। द्विभाजित करने के बाद इसको हम लोग द्विभाजित करके इसके बाद यहाँ से हम लोग सर चाप उठाते हैं और इसको सर्किल बना लेते हैं, जो कट गया भाग वो सर्किल हो जाता है। समझ गए ना? जी सर समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें, इस वाले सवाल में ए से हम लोग को क्या करना है, इस सर्किल का जो है केंद्र इसको मिला लेते हैं। चलिए बिल्कुल मिला लिए, अब ये ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ तक आ गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहाँ तक कर लिए। उसके बाद हम लोग को ये वाला रेखा इसको दो भाग में बांट लेना है। चलिए कैसे बांटते देख लीजिए, ए से हम लोग को एक चाप लेना है और आधा से अधिक लेना है, कितना आधा से अधिक, तो बिल्कुल आधा से अधिक लिए सर। यहाँ पे ये पिक्चर ना पूरा गंदा हो जाएगा, इतना ड्राइंग है इसमें, ठीक है यहाँ तक काट लिए। फिर ये वाला पॉइंट से लेना है, इसी वाले ओ से, ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे सी दिए हैं या कुछ नाम नहीं दिया अभी, इसको नाम बाद में दे देंगे, यहाँ पे कट गया। और कट पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, मिला देना है। कट पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरह मिलाएंगे ताकि सब समझ में आ जाए, ठीक है कट पॉइंट को हम लोग मिला दें, डॉट पॉइंट से मिलाना है कट पॉइंट को, ठीक है। और इसलिए हम लोग को द्विभाजित करना होगा क्योंकि वहाँ से एक सर्किल बनेगा जो इस वृत्त को काटेगा, वही तो हम लोग को स्पर्श रेखा हो जाएगा ना। चलिए भाई यहाँ तक हो गया, अब हम लोग को लेना है क्या, चाप उठाना है। चाप उठा के बस कुछ नहीं, यहाँ चाप रखो, यहाँ पे नाम दे दो भाई, पहले इसका नाम दे दो, ये वाला नाम दे दिए पी, ठीक है, और सारा का तो नाम है ही, तेरे को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से इस चाप को उठाया, ए पे रखा नोक, ठीक है, यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिए, देखिए ड्रॉ हो गया सर्किल। और सर्किल जब ड्रॉ हो गया, समझो ये सर्किल जो ड्रॉ हुआ ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कर रहा है सर, और यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है वो देख लिया जाए। और उसके बाद यहाँ से ए से हम लोग को बना देना, ए से हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये वाला देखा जाए, इस तरह से हमने सर्किल को ड्रॉ किया है कि ये वाला रेखा खुद स्पर्श रेखा हो रहा है, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक और रेखा से देखते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसी सर्किल का जो पॉइंट है यहाँ तक कट कर रहा है, और दूसरा ये हो गया जो इस तरह से स्पर्श रेखा है। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा था सवाल में, जो कि हम आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश किए थे, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, ए से हम लोग क्या किए, वृत्त पर स्पर्श रेखा की खींच दिए एक्स, और इसका नाम देते हैं जेड, ठीक है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। एक एक स्टेप को हमने फॉलो कर लिया, मतलब हर चीज़ को हमने ड्रॉ कर लिया, आप लोग को जो है इसलिए पॉइंट हम लोग को दिखाना इसलिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ सर्किल को हमने सिर्फ पेंसिल से किया। आप लोग हर चीज़ को पेंसिल कर से करेंगे, और ये वाला रेखा ना डॉट से करना है, ये वाला सर्किल भी बनाइएगा तो आप डॉट से भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। सवाल और ये सातवां नंबर सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर मतलब स्पर्श रेखा का रचना कीजिए। बिल्कुल, चलिए हम लोग एक चूड़ी ले लेते हैं, सपोज ये चूड़ी है, ठीक है, टूटा है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, हमको काम से मतलब है, ठीक है, मैंने नहीं रखना सर, ये टूटा हुआ चूड़ी था, अपने इसको क्यों ले लिया, बस हम लोग को एक शर के लिए बना लेना। चलिए ये तो समझिए, कहेंगे जी सर बिल्कुल हम इस बात को समझ गए हैं। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है एक मतलब बाहर एक बिंदु लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, ठीक है, और कह रहा है इस पर स्पर्श रेखा खींचे। भाई यहाँ पे स्पर्श रेखा हम कैसे खींचे, यहाँ पे तो सर ये पॉइंट कहाँ पे है, मतलब ये जो है सर्किल हमने चूड़ी से खींचा, इसका जो है केंद्र कौन सा है भाई, पता ही नहीं चल रहा। चलिए हम इसको पता लगाते हैं सर कैसे, तो आप लोग को तीन बिंदु ले लेना, सिंपल से बात है, कैसे लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लिए ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ठीक है जी, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से ले लेते हैं, तो ये ले लिए और इसको जो है इसको इस बिंदु से हम लोग मिलाते हैं, ये बिंदु है और दूसरी बात ये जो है बी, इसको दोनों को आपस में मिला दिए। आप चाहे तो स्किल का मैं सहायता ले सकते हो यार, चलो भाई सहायता ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बच्चे कहेगा सर हाथ से कर देते हो तो दिक्कत वाली बात है ना। चलो ये रहा, ठीक है, मिला दिए। अब क्या करना भाई, बहुत आसान है, इसका जो है केंद्र निकालना, केंद्र निकालने के लिए भी आप लोग सीख जाओगे। सबसे पहली बात तो इसको आधा से अधिक लो, इसको दो भाग में बांट दो, ठीक है, इसको आधा से अधिक लिया कुछ इस प्रकार से, ये आधा से अधिक हो गया, और इधर काट दिया भाई यहाँ पे, और इधर काट दो भाई यहाँ पे, ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ पॉइंट लिया, इसको काट दिया यहाँ पे, और यहाँ से इसको काट दिया यहाँ पे, कट पॉइंट को हम लोग को आपस में मिला देना है, ठीक है, कुछ लंबे से हम लोग यहाँ पे रेखा लिख लेते हैं, ठीक है, ये चलो 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 हो गया, ठीक। अब दूसरी बात है सर, क्या करें आगे, आगे क्या करना, इसको भी दो भाग में बांट दो, चलो सी पे रखो और यहाँ पे इसको
काट दो भाई। ओह सॉरी यार, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, मतलब एक बार पहले बार जो लिए थे वो ठीक है, और इधर भी एक कट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ से बी पे रखो, बी पॉइंट पे रखो, फिर यहाँ से भी, ओह ये ना हिल जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे भी कट कर लो। कट कर लिए, और कट पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं आपस में। कट पॉइंट को अपन लोग यहाँ पे मिला देंगे इससे। चलिए कट पॉइंट को मिला दिए, और जो कट पॉइंट का जो ये वाला पॉइंट आ गया, ये क्या हो गया, इस वृत्त का पॉइंट हो गया, मतलब क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। इस तरह से आप लोग सर्किल का केंद्र निकाल सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम लोग मिला दिए, बिल्कुल आसान है भाई, अब कुछ टेंशन नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचना है, बिल्कुल हम लोग खींच देंगे। हम लोग स्पर्श रेखा खींचने के लिए इसका जो है, इसको ए ओ का हम लोग जो है दो विभाजित कर देते हैं, मतलब इसको जो है दो भाग में बांट देते हैं। उसके बाद हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जो कट जाता है तो ये इस पे, तो क्या हो जाता है आप लोग को पता है क्या, स्पर्श रेखा हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, चलो कर लेते हैं। कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग इस रेखा को दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे भाई इसको आधा से अधिक ले लो। ठीक है, आधा से अधिक हो जाएगा। ठीक, ये आधा से अधिक हो गया, कम नहीं लेना भाई, आधा से अधिक लेना। ठीक, यहाँ पे लिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कौन सा कौन रेखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग ओवा जाना है कि भाई कौन सा रेखा सर आप मिला दिए, वो मुझे पता चल रहा है कौन सा रेखा है, आपको भी समझ में आ जाएगा, गौर से देखोगे। ये वाला मैंने यहाँ पे कट किया है, चलो भाई इसको मिला दो पहले या बाद में, चलो इसको हमने इस तरह से कुछ मिला दिया। ठीक है, ठीक है सर, तो भी यहाँ पे हम लोग रख देते हैं कुछ भी, एम रख दो यहाँ इसका नाम। ठीक, एम रख दिए। एम रखने के बाद आप लोग को क्या करना है, बस एक यहाँ से यहाँ तक इस शाप को फैलाना है ओ तक। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ तक भी फैला दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही भाई। यहाँ से फैलाना है और यहाँ पे देखना ओ तक आ गया, यहाँ पे कट लगा दो इस सर्किल पे, और फिर यहाँ पे आ गया तो इसको भी एक कट लगा दो। ठीक है, कट लगाए हैं कहाँ पे, एक लगा है सर यहाँ पे और एक दूसरा कट लगा है सर यहाँ पे। ठीक है, उस कट पॉइंट को आपस में ए से हम लोग को मिला देना है, क्योंकि ए से कह रहा है क्या, स्पर्श रेखा खींचने के लिए। ठीक, तो चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, फिर सर यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श रेखा में मिला देते हैं, हो गया स्पर्श रेखा। तो हिसाब के अकॉर्डिंग मैंने पूर्ण पेन किया, पहले एक चूड़ी लिया, कह रहा था देख लो यहाँ पे भाई क्या करा, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, और वृत्त के बाहर बिंदु से हमको इस बिंदु के वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। बाहर बिंदु हम लोग लिए थे ए ले लिए थे। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग को केंद्र पता नहीं था वृत्त का, तो हमने तीन बिंदु लिया, कौन सा बिंदु लिया भाई, तो आप कहोगे सर सबसे पहले ए लिए थे, बी लिए थे और सी बिंदु लिए थे। ठीक है, सी ए बी बिंदु को हमने, ए बिंदु को बी से मिला दिया, बी बिंदु को हम लोग सी से मिला दिया, उसके बाद इसको जो है हमने दो भाग में, आपस भाग में बांट दिया था। ठीक है, इस वाले से इसको रेखा को मिलाया, फिर इसको बांटा था, यहाँ पे कटा था और इस वाले को बना दिया, तो ये क्या हमारा जो जो ये कटा, ये वाला दोनों का कट पॉइंट जो निकला, ये क्या हो गया हम लोग का, केंद्र हो गया। केंद्र होने के बाद हम लोग को पता चल गया, और केंद्र होने के बाद हमने ए से ओ तक वो मिला दिया। ठीक है, ए डैश या मान लो कुछ भी, ठीक है, बाहर बिंदु से हमने मिला दिया। बाहर बिंदु से मिलाने के बाद हम लोग क्या किया, ए ओ और ए को दो भाग में विभाजित कर लिया। ठीक है, दो भाग में विभाजित करने के बाद हमने यहाँ से क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया, इसको काट दिया, और इसी सर्किल से हमने इधर काट दिया, और जो कट पॉइंट है हमने इसको ए से मिला दिया और ये सी से मिला दिया, ए सी हो गया। तो स्पर्श रेखा क्या हो गया, ए सी हो गया, और यहाँ पे ए नहीं, हम लोग ए डैश देते हैं, या यहाँ पे कुछ और से ए ए डैश दे दीजिए। ठीक है, जो दिए हैं वही मान लीजिए, ये दोनों क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। बिल्कुल इस बात को समझना बहुत ही यार इजी था। तो चलिए हम आपको कुछ और भी बताते हैं। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया था 11.1 का। ठीक है, अब हमने इस बार कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 11.2 का पूर्ण पेन। तो भाई इस बात पे आप लोग को करना क्या है, पहले तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप लोग को क्या करना है भाई, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट क्या करना है कि सर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा, दिक्कत हो रहा, तो वो बात आप हमको कमेंट से पहुंचा सकते हो। ठीक है, और आप लोग को एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी सब्जेक्ट में, यार प्लीज़ एक बार कमेंट कर देखो, कमेंट पूरा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।